हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, के बोल सकते हैं और की है ना के ओके। नीचे सो गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर वॉल्यूमेट्रिक। तो थोड़ा वेट कर लेते देन स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और रिडॉक्स रिएक्शन, हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन देख लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो ऑक्सीडेशन जो है वो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो ऑक्सीडेशन इज, तो देखो, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे Mg प्लस ओ टू गिव्स MgO, तो यहां पर Mg का ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसे भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जैसे NH3 N2 प्लस H2, तो यहां पर हाइड्रोजन निकल गया तो नाइट्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो गया। इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो उसे भी हम, यस रोहन, काइनेटिक्स खत्म हो गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है, जैसे Zn gives Zn2 positive plus 2 electron. इसके अलावा एक और डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन नंबर का, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है. तो ये चार डेफिनेशन है. नाउ ये वाली जो डेफिनेशन लास्ट वाली मेनली हम इसी को आगे फॉलो करेंगे. लास्ट वाली डेफिनेशन को हम मेनली क्या करेंगे, फॉलो करेंगे. तो देखो क्या है, अभी हम बाद में बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और वो निकालते कैसे. जस्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इन तीनों रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है. फर्स्ट वाली रिएक्शन में Mg का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है और MgO में Mg का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस टू है. तो ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है. सिमिलरली NH3 में नाइट्रोजन का माइनस थ्री है और N2 में जीरो है, तो नाइट्रोजन का माइनस थ्री से जीरो हो गया तो वो भी बढ़ गया. और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में Zn का पहले जीरो है ऑक्सीडेशन नंबर और बाद में प्लस टू हो गया. ठीक है, सो तीनों रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज. ओके, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन. लास्ट वाला तो मतलब फॉलो करेंगे. यस रोहन, अथर्व वो मैंने बताया कि हम बाद में बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो हम बाद में बताएंगे. बैलेंस नहीं कर रहे हम किसी भी रिएक्शन को, बैलेंस नहीं कर रहे, कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहे हैं. हम जस्ट यहां पर बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है. लिख लिया सबने? ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन. लिखो जल्दी, लिखो रेवती. चले आगे. नाउ रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का उल्टा है. तो रिडक्शन इज तो देखो रिडक्शन क्या है, तो वहां पर क्या है, ऑक्सीजन निकल रहा था, यहां पर ऑक्सीजन ऐड होगा. ठीक है, सो सॉरी वहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, यहां पर ऑक्सीजन निकलेगा. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे Ag2O gives Ag+ O2. सिमिलरली वहां पर हाइड्रोजन निकल रहा था, यहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा. तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी हम रिडक्शन बोल सकते हैं. जैसे H2+ सल्फर gives H2S. सिमिलरली वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये भी रिडक्शन है,
जैसे Cu2 प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन गेव Cu, तो इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो ये भी रिडक्शन है। इसके अलावा मेनली जो डेफिनेशन फॉलो की जाएगी जो कि बाकी तीनों जगह भी यूज कर सकते हैं वो है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया तो रिडक्शन, ठीक है। तो मेनली ये वाली डेफिनेशन जो हम क्या करेंगे यूज करेंगे फॉलो करेंगे। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट वाले में देखो Ag का पहले प्लस वन है और बाद में जीरो हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है डिक्रीज। सिमिलरली H2S में सल्फर का माइनस टू से सॉरी जीरो से माइनस टू चला गया है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। लास्ट वाली रिएक्शन जो उसमें प्लस टू से जीरो चला गया है कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो मेन जो डेफिनेशन है वो अपनी ये वाली, ओके मेन डेफिनेशन कौन सी हमारी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, इसके अलावा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या था ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन, ठीक है। ये मेन हमारे पास डेफिनेशन जाएंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रोहन किसी में भी ऐड हो सकता है जिसका रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे अभी, नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ही लेंगे, वेट करो। रोहन वेट करो, समझ आ जाएगा। यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर सल्फर का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पर एजी का रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में देखना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा उसका रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे थोड़ी देर हम बताएंगे। रोहन हाइड्रोजन तो ऐड हुआ है ना, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में तो हमने डेफिनेशन ही बताई है। हाइड्रोजन जो है उसका एडिशन होना ही हम रिडक्शन बोल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का खुद का थोड़ी रिडक्शन हुआ, रिडक्शन किसका हुआ सल्फर का। सिद्धार्थ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ भाई, सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन तो ऐड हुआ है उसमें। अच्छा सॉरी हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है, ठीक है।
सॉरी सल्फर का रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, बराबर बोल। चले आगे नाउ, अब देखो हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। तो और वो निकालते कैसे हैं, तो देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है रोन वेट तो करो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कैसे निकालते हैं उसके बाद पता चल जाएगा। हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ये क्या है, तो इफ इट चार्ज डेवलप ओवर एन एटम of element
when it goes from elemental free state to combined state in molecule. तो किसी एलिमेंट जब फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में गया, फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट, जैसे ऑक्सीजन का फ्री स्टेट है O2 एंड इसका कंबाइंड स्टेट जैसे मान लो H2O, H2O में ऑक्सीजन जो है कंबाइंड स्टेट, ठीक है, तो O2 से जब वो H2O में गया तो इस H2O में इस O के अराउंड कितना चार्ज डेवलप हुआ, वो चार्ज जो है वही क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑब्वियसली ऑक्सीजन, ओके। तो जब फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में कोई एलिमेंट जा रहा है तो उसके एटम के ऊपर कितना चार्ज डेवलप हुआ वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो ये जो चार्ज है, ये अगर हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो रियल इमेजिनरी चार्ज होगा, लेकिन अगर आयनिक मॉलिक्यूल है तो चार्ज रियल होगा। तो इन द केस ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, चार्ज इज इमेजिनरी व्हाइल इन द केस ऑफ आयोनिक मॉलिक्यूल्स चार्ज इज रियल। ठीक है, तो आयनिक मॉलिक्यूल में जो चार्ज होता है वो रियल चार्ज होता है, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी चार्ज होता है, क्योंकि आयनिक मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होता है, आयनिक मॉलिक्यूल क्या है, जिनमें आयनिक बॉन्ड है, जैसे Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो हमें पता है ना NaCl में क्या है, आयनिक बॉन्ड है ना, तो इसमें ये जो चार्ज है रियल चार्ज है। हमें पता है आयनिक बॉन्ड इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज आयन, ओके। तो ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली रियल चार्ज है, लेकिन अगर हम बात करेंगे HCl की, तो HCl क्या है, इट इज कोवेलेंट मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर ये H और Cl पे जो चार्ज होगा इट इज इमेजिनरी चार्ज, H पर प्लस वन और Cl पर माइनस वन जो चार्ज है इट इज एक्चुअली इमेजिनरी चार्ज, ना कि रियल चार्ज, ओके। तो ये जो चार्ज है यही एक्चुअल में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, H का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन हो गया, Cl का माइनस वन हो गया, यहाँ पर Na का प्लस वन हो गया, Cl का माइनस वन हो गया। तो दिस इज नथिंग बट हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर, ऑब्वियसली कोवेलेंट पोलार कोवेलेंट भी हो सकता है, नॉन पोलार कोवेलेंट भी हो सकता है, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे, हम जस्ट यहां पर बात करें कोवेलेंट एंड आयनिक। तो अगर कोवेलेंट है तो चार्ज इमेजिनरी है, अगर रियल है सॉरी आयनिक है तो चार्ज रियल है। यस आमिर, हम अभी रूल्स लिखवाएंगे वहां पर पता चल जाएगा। रोहन वेट करो, दोनों पर H और Cl पर वो चार्ज क्यों आ रहा है हम बता देंगे, चलो बता देता हूँ।
Cl जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड पुल करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो बेसिकली उसने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपनी साइड पुल कर लिया, तो इसलिए उसमें माइनस वन चार्ज आ गया और हाइड्रोजन एक तरह से अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया उसको, है ना, उसकी पुश कर दिया क्लोरीन की साइड, तो उसमें प्लस वन चार्ज आ गया। ठीक है, तो जो हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड पुल करता है इन कोवलेंट बॉन्ड, दैट्स व्हाई वो चार्ज डेवलप होता है। ओके, अगर दोनों एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा देन ऑब्वियसली चार्ज डेवलप नहीं होगा, तो जो चार्ज डेवलप होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होगा, बताएंगे अभी, वेट करो। आयनिक में तो पता ही है ना यार, NaCl है तो Na में प्लस वन, Cl पर माइनस वन, वहां तो पता ही है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है दूसरा गेन करता है, और जनरली लूज और गेन कैसे होते हैं, जितने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वो रिमूव कर देते हैं, तो उसकी वजह से कैटाइन बन जाता है, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उससे एनायन बन जाता है, जनरली उस टाइप से ही होता है। चले आगे, लिख लिया सबने, नाउ अब हम लेते हैं रूल्स। तो रूल्स क्या क्या हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, तो रूल्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो सबसे फर्स्ट रूल ये है कि जितने भी एलिमेंट हैं उनका फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर फ्री स्टेट इज जीरो। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर जो है फ्री स्टेट में एलिमेंट का क्या होता है, जीरो। जैसे O2 है, O2 का जीरो, H2 है, H2 का जीरो, Cl2 है, Cl2 का जीरो, Ag है उसका जीरो, Na है उसका जीरो। ठीक है, सो फ्री स्टेट में जब एलिमेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। दिस इज फर्स्ट रूल। ठीक है, नाउ ये फ्री स्टेट वाला हो गया, नाउ आगे वाले जितने भी हम एग्जाम्पल लेंगे वो कंबाइंड स्टेट वाले होंगे। ओके, आगे वाले जितने भी एक्चुअली रूल्स हम लेने वाले हैं, फ्री स्टेट मतलब क्या होता है भाई, वो कम यार, फ्री स्टेट मतलब किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, इसमें भी क्या बताऊं मैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि O2 ऑक्सीजन का फ्री स्टेट इज O2, एंड अगर ये किसी से कंबाइंड हो गया जैसे H2O, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में है, तो फ्री स्टेट मतलब वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, अकेला है, और कंबाइंड स्टेट मतलब वो जब किसी के साथ कंबाइंड हो गया, तो फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो जीरो रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रूल, अब जो हम आगे रूल्स लेने वाले हैं वो कंबाइंड स्टेट वाले रूल होंगे। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन है। ओके, तो फ्लोरीन जब भी कंबाइंड स्टेट में रहेगा तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो माइनस वन रहेगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अगर आयनिक बॉन्ड है तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उनको अपनी साइड क्या करेगा, पुल करेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इस पे माइनस वन आएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज माइनस वन ऑलवेज इन कंबाइंड स्टेट।
ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है फ्लोरीन का वो क्या होगा, माइनस वन होगा, किसमें, कंबाइंड से। ओके, तो जैसा मैंने बताया हम जो भी रूल आगे लेने वाले हैं वो कंबाइंड स्टेट वाले ही हैं अभी। नाउ सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो उसका जनरली माइनस टू रहता है, जनरली मतलब मैक्सिमम टाइम इसका माइनस टू रहता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस टू जनरली, बट इन द केस ऑफ परऑक्साइड, जब हमारे पास परऑक्साइड आ जाएगा इट इज माइनस वन, ठीक है, परऑक्साइड में माइनस वन होगा, एंड इन सुपर ऑक्साइड इट इज माइनस हाफ, ठीक है। तो सुपर ऑक्साइड में क्या रहता है, माइनस हाफ होता है, परऑक्साइड में माइनस वन होता है, सुपर ऑक्साइड में माइनस हाफ होता है। ओके, तो सुपर ऑक्साइड और परऑक्साइड का भी हम एग्जांपल बता देंगे, पहले लिखो। यस, माइनस हाफ है वो लास्ट में। हो गया सबका, तो नाउ देखो परऑक्साइड जो है, परऑक्साइड का अगर हम एग्जांपल लें तो एक्चुअली परऑक्साइड में क्या है, ये बॉन्ड आ जाता है, ओ और ओ वाला बॉन्ड आ जाता है। जैसे एग्जांपल हमने लिया, मतलब इसमें परऑक्साइड में क्या होता है, ओ टू टू नेगेटिव होता है। हमने एमओटी में भी बताया था ना, अलग अलग आयंस लिए थे, तो परऑक्साइड मतलब जब ओ टू टू नेगेटिव आए, और सुपरऑक्साइड मतलब, सुपरऑक्साइड मतलब ओ टू माइनस। ओके, एमओटी में इनका एग्जांपल लिए थे, तो परऑक्साइड में जो बॉन्ड ऑर्डर होता था ये वन होता था, और सुपरऑक्साइड जो है इनमें बॉन्ड ऑर्डर, इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, सुपरऑक्साइड में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1.5 होता है। ओके, जैसे एग्जांपल अगर लेंगे तो परऑक्साइड का एग्जांपल में देखो, H2O2 हो गया, Na2O2 हो गया, ठीक है, ये परऑक्साइड का एग्जांपल। इसके अलावा सुपरऑक्साइड का एग्जांपल में अगर तुम देखोगे तो KO2 हो गया। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर वन है, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड आ रहा है और आगे किसी से अटैच है, तो ये परऑक्साइड है।
और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, 1.5 होगा, तो 1.5 तो जनरली दिखाते नहीं रहते, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये क्या होगा, सुपर ऑक्साइड होगा। ओके, तो सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल हो गया KO2 एंड परऑक्साइड का हो गया H2O2 NaCO2। इसके अलावा अब देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है ना, अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन से कंबाइन है तो फिर फ्लोरीन का माइनस होगा तो फिर ऑक्सीजन का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो विद फ्लोरीन ऑक्सीजन कैन हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो फ्लोरीन के साथ ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर रख सकता है, जैसे एग्जांपल अगर हम ले तो फ्लोरीन के साथ ये बनाता है OF2 एंड O2F2। तो OF2 में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है ये +2 है एंड O2F2 में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है ये +1 है, ठीक है। तो फ्लोरीन के साथ अगर ये कंबाइंड होगा तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन पर तो आता है माइनस, तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो जनरली तो ऑब्वियसली फ्लोरीन के साथ कंबाइंड होता नहीं है, बाकी से ही कंबाइंड होता है। तो जनरली जब इस किसी से कंबाइंड होता है तो -2 रहता है जनरली, मैक्सिमम टाइम मतलब इसका ऑक्सीजन का -2 रहता है, लेकिन अगर कहीं पे परऑक्साइड आ गया तो -1 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, अगर कहीं पे सुपर ऑक्साइड आ गया तो क्या आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो फिर नेक्स्ट वाले रूल पर चलते हैं। रोहन MOT नहीं पढ़ा क्या? MOT में O2 नेगेटिव आयन होता था उसको परऑक्साइड आयन बोलते हैं, और MOT में जो O2 नेगेटिव आयन होता है इसको सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। तो परऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर क्या आता था, O2 नेगेटिव का MOT में 1 आता था, और O2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर क्या आता था, और O में 1.5 आता था। तो वही हमने बताया, देखो इधर 1 बॉन्ड ऑर्डर है और इधर डॉट डॉट है तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर है। तो अगर कहीं पे भी परऑक्साइड है तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताया मैंने, ऑक्सीजन का क्या होगा, -1 होगा, और अगर कहीं पे सुपर ऑक्साइड है तो -1/2 होगा, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरीन से अगर कंबाइंड है तो फ्लोरीन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, फ्लोरीन का क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर फ्लोरीन का नेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव होगा। OF2 में +2 आता है ऑक्सीजन और O2F2 में +1 आता है। अब ये +2 और +1 कैसे आया, इसके लिए अभी वेट करो बाकी रूल्स का। O2 negative peroxide ion और O2 negative सुपर ऑक्साइड आयन, जब ये कंपाउंड बनेंगे तो वो peroxide और सुपर ऑक्साइड होंगे। जैसे Na2O2 is sodium peroxide, H2O2 is hydrogen peroxide, KO2 is potassium सुपर ऑक्साइड, तो ये हमारे पास थर्ड वाला रूल है ना ऑक्सीजन का। नाउ
इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन जो है उसका जनरली ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो प्लस वन होता है, लेकिन अगर वो मेटल से कंबाइन है तो वहां पर माइनस वन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर, ये रूल फोर्थ रूल है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज प्लस वन जनरली, बट इन द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड मतलब जो मेटल से कंबाइंड होगा, जैसे एग्जांपल अगर हम लेंगे NaS, CaH2 एटसेट्रा, बट इन द केस ऑफ मेटल हाइड्राइड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज माइनस वन। ठीक है, तो जनरली हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये प्लस वन होता है, लेकिन अगर ये मेटल से कंबाइन है, मेटल के साथ कंबाइन किया गया है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है मतलब जनरली प्लस वन होता है, बट मेटल से अगर कंबाइन किया गया है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। ओके, इसके अलावा हैलोजन्स जो होती है, हैलोजन उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है जनरली माइनस वन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हैलोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है तो वहां पर पॉजिटिव में भी जा सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन्स इज माइनस वन जनरली, इज कंबाइंड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन हो रहा है तो वहां पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। एग्जांपल अगर हम लेंगे तो देखो, जैसे NaCl है तो NaCl में माइनस वन, लेकिन अगर क्लोरीन को उसके उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कंबाइन करेंगे तो वहां पर पॉजिटिव आ सकता है। तो देखो, अगर हमने क्लोरीन को ऑक्सीजन से कंबाइन कर दिया तो वहां पर पॉजिटिव में चला गया, तो Cl2O में प्लस वन होता है क्लोरीन का। ClF3 जो है इसमें क्लोरीन का प्लस थ्री है। ClF7 में अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन का प्लस सेवन। ऑब्वियसली यहां पर दोनों जगह फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन तो हमें पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका तो हमेशा क्या है, माइनस वन ही रहता है। ठीक है, बट क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का माइनस में भी जा रहा है और प्लस में भी जा रहा है। ठीक है, अब वो कैसे आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर वो हम बाद में बताएंगे, निकालेंगे कैसे, ये जस्ट रूल यहाँ पर देखो कि रूल्स क्या है, एंड में हम तुम्हें बता भी देंगे कि क्लोरीन का इन सभी एलिमेंट में कैसे हमने निकाला है। ठीक है, अभी जस्ट रूल पे ध्यान दो। तो हैलोजन्स का जनरली माइनस वन होता है, बट अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से वो कंबाइन कर लिए गए हैं तो फिर वहां पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी आ सकता है।
यस सिद्धार्थ, रोहनी एग्जाम्पल याद रखो, और ये याद रखो कि जब O और O के बीच में बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो परऑक्साइड होता है। जनरली वैसे इनके एग्जाम्पल तुम्हें नहीं मिलेंगे, बट और ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में इसका ऐसे सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो परऑक्साइड है, और वहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेना है बस, ये याद रखो, और कुछ याद नहीं रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑफ मेटल्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, और इसमें भी कुछ मेटल्स का फिक्स है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स मतलब फर्स्ट ग्रुप, एल्कली मेटल मतलब कौन सा है, फर्स्ट ग्रुप, इज ऑलवेज +1 ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं, सेकेंड ग्रुप। इज +2 ऑलवेज एंड ऑफ Al इज +3 ऑलवेज। ठीक है, तो ये हमारे पास फिक्स है, एल्कली मेटल्स का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहेगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है मतलब सेकेंड ग्रुप वाले जो है उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 रहेगा, और एल्यूमिनियम का Al मतलब एल्यूमिनियम उसका हमेशा +3 रहेगा। ठीक है, रोन एक तरह से वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, जनरली वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर है, बट वैलेंसी कभी फ्रैक्शन में नहीं आता था, वैलेंसी कभी फ्रैक्शन नहीं आता था, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन वगैरह भी आ सकता है, वो बाद में देखेंगे। और वैलेंसी जो है वो तो क्या एक तरह से फिक्स रहती थी, वैलेंसी फिक्स होती है, ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का वेरिएबल भी हो सकता है, ऐसा है। नाउ नेक्स्ट वाला रूल, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है, तो लेकिन ये पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए है रूल, तो फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर cannot be greater than number of valence electrons. ठीक है, जितने valence electron है उससे ज्यादा oxidation number की value नहीं आ सकती, उससे कम हो सकती है बट उससे ज्यादा हमारे पास नहीं आएगा,
किसका वैल्यू? ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू, ठीक है। एग्जांपल अगर लोगे तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सल्फर, तो सल्फर का मैक्सिमम बताओ क्या होगा, नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उससे कम आ सकता है, बिल्कुल उससे कम आ सकता है, उसके लिए रूल बता देंगे हम। तो मैक्सिमम कितना है बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने होते हैं, सिक्स होते हैं ना, दैट्स व्हाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है सल्फर का वो क्या होगा, सिक्स होगा, उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का नहीं आता। ठीक है, लिखो फिर नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। हो गया, तो हमारे पास मैक्सिमम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतना ही मैक्सिमम क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो सल्फर में सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सिक्स से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर नहीं हो सकता। और नेक्स्ट वाला रूल, तो पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए एक और रूल है, जो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी करती है वो बता देते हैं। तो फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर वेरीज फ्रॉम एन माइनस 18 टू एन माइनस 15 वेयर एन इज ग्रुप नंबर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर n माइनस 18 से n माइनस 15 के बीच में वेरी होगा, और यहां पर n क्या है, ग्रुप नंबर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का कौन सा यार ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर क्या है, 15 है ना नाइट्रोजन का, सॉरी दिस इज n माइनस 18 टू n माइनस 10। हाँ, सो n माइनस 18 से n माइनस 10 के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करेगा। तो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर क्या है पीरियोडिक टेबल में, 15 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां जाएगा, 15 माइनस 18 मतलब माइनस 3 टू 15 माइनस 10 मतलब प्लस 5। तो माइनस 3 से लेकर प्लस 5 तक वेरी हो सकता है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे NH3 में देखेंगे तो -3 होता है नाइट्रोजन, N2 में ऑब्वियसली 0 होता है, NO में अगर हम देखेंगे तो +2 होता है, NO2 में अगर हम देखेंगे तो +4 हो जाता है, N2O5 HNO3 वगैरह में देखोगे तो
प्लस फाइव हो जाता है, ठीक है। सो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो माइनस थ्री से लेकर प्लस फाइव तक वेरी हो सकता है, मतलब मिनिमम माइनस थ्री रहेगा एंड मैक्सिमम प्लस फाइव, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक वेरी होता है, एन माइनस 18 टू एन माइनस 10, किसके लिए, सी ब्लॉक के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट रूल जो है वो क्या है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर जो है याद रखना जीरो रहता है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल इज जीरो, ठीक है। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन ए मॉलिक्यूल क्या होगा, जीरो होगा। जितने भी एलिमेंट्स है सब एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर तुम ऐड कर दोगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, वो जीरो के इक्वल आना, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हम K2Cr2O7 है, तो इसमें क्या होगा, इसमें टू टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, सॉरी K, दो K है ना, तो टू टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K प्लस टू टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr प्लस सेवन टाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O, ये सब हम ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ओके। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल क्या रहता है, जीरो रहता है। तो मेन रूल अपने पास ये, ठीक है। इससे पहले वाले रूल तो हमें ऑब्वियसली याद रखने हैं, उनका यूज यहां पर जब करेंगे इस वाले रूल में या इस वाले पॉइंट में तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा एलिमेंट। ठीक है, बाद में एग्जांपल से भी इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले पॉइंट देख लो। तो ये टेंथ वाला जो पॉइंट है ये काफी यूज किया जाएगा कि हम क्या करेंगे, कोई हमें मॉलिक्यूल अगर दिया है तो उसमें उसका क्या कर देंगे, जितने भी एलिमेंट है सब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करेंगे और वो ऐड करके क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, इसको जीरो के इक्वेट कर दें। यस सिद्धार्थ, लिख लिया सबने, ठीक है। नाउ तो ये तो था हमारे पास जब मॉलिक्यूल, लेकिन अगर हमारे पास कोई आयन दे दिया तो, ठीक है, तो आयन दे दिया तो इसी टाइप से होगा, लेकिन वहां पर क्या है, चार्ज के इक्वल करेंगे। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन
एन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन। ठीक है, तो अगर हमें कोई आयन दे दिया है तो उस आयन पे कितना चार्ज है उस चार्ज के इक्वल कर देंगे सम को, जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास आयन है, तो यहाँ पर Cr और ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करेंगे तो -2 के इक्वल आना चाहिए, तो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। ओके, तो ये हमने इस एग्जांपल ले लिया। तो ये हमारे पास रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। ओके, ये 11 रूल्स हैं, इनको याद रखना है। मेन जो एंड में यूज होगा वो 10th एंड 11th रूल का यूज होगा। ठीक है, बाकी रूल्स हमें ये बता रहे हैं कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है। ठीक है, कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर हमने एक तरह से क्या है, फिक्स कर दिया है। ओके, तो कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर हमने एक तरह से फिक्स कर दिया है। नाउ उस फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर हम क्या करेंगे, किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे यूजिंग 10th एंड 11th पॉइंट। लिख लिया सबने? तो अभी देखते हैं कि कैसे हम निकालेंगे। तो डिटरमिनेशन ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, तो डिटरमिनेशन ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, किसी मॉलिक्यूल में दो एटम जैसे अगर हैं तो जैसे K2Cr2O7। ठीक है, तो यहाँ पर Cr के दो एटम, तो दोनों एटम का जो हम अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे एक्चुअली एवरेज वाला होगा, हो सकता है दोनों एटम्स का अलग अलग हो। ठीक है, Cr के दो एटम्स है तो हो सकता है दोनों एटम्स का हम जो निकाल रहे हैं वो ना हो के कुछ अलग हो। ठीक है, वो इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे वो बाद में बताएंगे। तो अब यहाँ पर क्या करना है, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr प्लस 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू क्या करना है, जीरो करना है ना। अब देखो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको x मान लो। ठीक है, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर हम x मान लेते हैं, बाकी देखो K का पता है क्या हमें ऑक्सीडेशन नंबर, K का ऑक्सीडेशन नंबर पता है क्या? बिल्कुल पता है, हमने बताया था एल्किली मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप वालों का 1 होता है प्लस 1 है ना, तो 2 × 1। इसके अलावा क्रोमियम का हमें निकालना उसका एक्स मान लेते हैं, तो 2 × x प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताया हमने, ऑक्सीजन का -2 ही लेना है हमें जनरली। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो क्या आया, ये 2x इज इक्वल टू हो गया 12 है ना, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 प्लस 6 आ गया। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है K2Cr2O7 में क्या है, प्लस 6 है। ओके, इसी टाइप से अगर हम यहां पर Cr2O7 2 नेगेटिव लेंगे तो देखो 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr प्लस क्या है 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू -2 आना चाहिए। तो जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, Cr का निकालना है, तो उसका x मान लेते हैं, तो 2 इंटू x प्लस 7 इंटू ऑक्सीजन का जनरली क्या है, -2 है, तो वही लेंगे इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से 2x जो है वो क्या आ गया, 12 आ गया, तो x क्या आ गया,
प्लस फिक्स आ गया, क्लियर है। तो इस टाइप से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है एक्चुअली एवरेज है। एवरेज क्यों है? क्योंकि अभी ये देखो फर्स्ट कंपाउंड में जैसे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दो क्रोमियम है, ठीक है, दोनों क्रोमियम का हो सकता है अलग अलग, मतलब इंडिविजुअल क्रोमियम का हो सकता है सिक्स ना हो, एक क्रोमियम का मान लो फोर हो दूसरे का एट हो, है ना, ऐसे भी हो सकता है कि एक क्रोमियम का एट है दूसरे का फोर है, बट एवरेज देखो क्या आएगा, एवरेज सिक्स आएगा ना, ठीक है। तो ये हमने जो निकाला है एवरेज निकाला है, हो सकता है इंडिविजुअल क्रोमियम का क्या हो अलग अलग, तो वो इंडिविजुअल तो हमें स्ट्रक्चर से पता चलेगा, तो वो थोड़ी देर बाद हम बताएंगे। वैसे जनरली यही हम यूज करेंगे निकालने के लिए, टेंथ एंड इलेवेंथ पॉइंट जो है वही जनरली यूज किया जाएगा, मतलब अभी जैसे हमने सॉल्व किया ना ऐसे ही जनरली हम सॉल्व करेंगे अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या सबने नाउ देखो इंडिविजुअल वाला कैसे निकालेंगे उस पर चलते हैं। तो डिटरमिनेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो ये जो है ये एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर निकाला जाएगा, तो इट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे देखो, तो अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, अगर हमारे पास क्या सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड जो है उसकी वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस वन लेना है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस वन लेना, ठीक है। सो ड्यू टू सिंगल बॉन्ड ऑब्वियसली, सिंगल मतलब कोवेलेंट की बात हो रही है, बिकॉज सिंगल डबल बॉन्ड ये तो कोवेलेंट वाले ही होते हैं, तो हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं यहां पर। तो ड्यू टू सिंगल बॉन्ड
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेट्स माइनस वन चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेट प्लस वन चार्ज। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या आएगा, माइनस वन आएगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस वन आएगा। इसके अलावा डबल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली माइनस टू एंड प्लस टू हो जाएगा। तो ड्यू टू डबल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेट्स माइनस टू चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेट प्लस टू चार्ज। ठीक है, एंड इसी टाइप से चलता जाएगा, मतलब थर्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो माइनस थ्री एंड प्लस थ्री आ जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप से मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे बॉन्ड की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए तभी हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर पाएंगे। तो स्ट्रक्चर अगर हमें पता है तो स्ट्रक्चर से हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं इंडिविजुअल एटम्स का। एंड कैसे निकालेंगे वो एग्जाम्पल अभी देते हैं, पहले लिख लो। ट्रिपल बॉन्ड में ऑब्वियसली सिद्धार्थ माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा, बट जनरली ट्रिपल बॉन्ड होता नहीं है मॉलिक्यूल्स में, अगर है तो माइनस थ्री एंड प्लस थ्री। लिख लिया सबने? तो अभी देखो एग्जांपल लेते हैं कि कैसे इसको यूज करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं सी एल टू की, ठीक है, तो जैसे हमने वैसे ही पहले ही बता दिया तुम्हें कि यार फ्री स्टेट में क्या रहता है, जीरो रहता है। तो यहां पर तुम देख सकते हो, अब देखो सी एल में हमारे पास क्या है, सी एल टू में सी एल और सी एल के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना। ओके, सो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ऑब्वियसली दोनों की वैसे कोई चार्ज अलग नहीं होगा। क्लियर है? नाउ अगर हम बात करेंगे HCl की, तो HCl में क्या है यार, HCl में S सिंगल बॉन्ड Cl, अब यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यार, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन पे क्या आएगा माइनस वन और हाइड्रोजन पे आएगा प्लस वन। क्लियर है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस वन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस वन। अगर हम बात करेंगे CO2 की, तो CO2 में देखो क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब लेफ्ट साइड वाले बॉन्ड के वजह से देख लेते
से पहले, फिर बाद में राइट साइड वाले की वजह से देख लेंगे। तो लेफ्ट साइड वाले बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर क्या आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस टू आएगा, और क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाले की वजह से ऑक्सीजन पे माइनस टू, तो कार्बन पे प्लस टू। अब राइट साइड वाले बॉन्ड की वजह से क्या होगा, राइट साइड वाले बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे माइनस टू, कार्बन पे प्लस टू, ठीक है। तो टोटल कार्बन का कितना हो गया यार, टोटल कार्बन का कितना हो गया, प्लस फोर हो गया। ओके, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर और दोनों ऑक्सीजन का माइनस टू माइनस टू। क्लियर है क्या? तो इस टाइप से हम बॉन्ड को यूज करके क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। रोहन ये CO3 नहीं CO2 है, CO2 इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस टू, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस टू। तो ये वाले डबल बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे माइनस टू, कार्बन पे प्लस टू। सिमिलरली राइट साइड वाले डबल बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे माइनस टू, कार्बन पे प्लस टू। तो दोनों ऑक्सीजन का माइनस टू है, लेकिन कार्बन का टोटल कितना हो गया, प्लस फोर हो गया ना। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। तो Na2S2O3 का एग्जांपल देखो क्या है, मतलब इसका सॉरी स्ट्रक्चर क्या है। तो यहां पर क्या है, Na पॉजिटिव और S2O3 टू नेगेटिव है, आयनिक बॉन्ड है S2O3 और Na के बीच में। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आती है इसकी, S डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, इसके अलावा एक O इधर है, एक O इधर है। तो इधर इन दोनों पे आया माइनस वन, एंड ये फिर आयनिक बॉन्ड बना रहा है Na के साथ, दो Na है तो इस टाइप से, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, जैसे तुम्हें पहले ही बताया है कि आयनिक बॉन्ड में हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, हम Na और O के बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज वो क्या है, आयनिक बॉन्ड है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो अब देखो यहां पर क्या है, इस वाले बॉन्ड की वजह से अगर हम देखेंगे, इस वाले बॉन्ड की वजह से अगर हम देखेंगे तो क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। स्ट्रक्चर रोहन दिया नहीं होगा, हमें पता होना चाहिए, तो अभी नहीं तो आगे पी ब्लॉक एलिमेंट के बाद पता चल जाएगा। वैसे हम धीरे धीरे ड्रॉ कर रहे हैं तो याद रखना है वो। तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ऑक्सीजन पे माइनस वन चार्ज आ गया इस बॉन्ड की वजह से, और सल्फर पर क्या आ गया, प्लस वन चार्ज आ गया। इसके अलावा ये वाला जो बॉन्ड है, इसकी वजह से अब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन पे माइनस टू चार्ज आया, सल्फर पे प्लस टू चार्ज आया। क्लियर है? नाउ ये वाला बॉन्ड में अगर हम देखेंगे तो इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में इस वाले बॉन्ड की वजह से माइनस वन और सल्फर पर प्लस वन, ठीक है। अच्छा, वॉट अबाउट ये ऊपर वाला बॉन्ड, ऊपर वाले बॉन्ड की वजह से बताओ क्या होगा, क्या दोनों सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? एक्चुअली यहाँ पर जीरो जीरो नहीं होगा, हमें देखने में लगेगा जीरो जीरो होगा, लेकिन जीरो जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम? हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम इस वाले सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, मतलब इस वाले सल्फर का देखते हैं, तो इस वाले सल्फर के पास दो सिग्मा बॉन्ड है, एंड लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, सॉरी एक सिग्मा बॉन्ड है,
एक सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कितने हैं? दो लोन पेयर हैं। यस रोहन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाइब्रिडाइजेशन से रिलेशन है, केमिकल बॉन्डिंग में बताया है। तो एक सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दो, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? ये sp2 हो गया। व्हाट अबाउट दिस सल्फर? ये सल्फर के चार सिग्मा बॉन्ड एंड जीरो लोन पेयर, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? याद है ना, परसेंटेज एस करेक्टर अगर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आती है, याद है? तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 इज ग्रेटर देन sp3। ओके, तो ऊपर वाला जो सल्फर है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नीचे वाले से, तो बताओ किस पे क्या चार्ज आएगा? ऊपर वाले सल्फर पर कितना चार्ज आएगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्लस। तो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की वजह से ऊपर वाले पर क्या आ जाएगा? -2 और नीचे वाले पर +2। ओके, तो अब चार्ज देखो कितना आया भाई। चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो चार्ज कितना आ गया? कितना आ गया ऊपर वाले सल्फर पर? क्या आया? ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऊपर वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2 और नीचे वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? देखो ऐड करके देखो कितना आ रहा है, +6 आ रहा है ना। ओके, तो ऊपर वाले सल्फर का -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, नीचे वाले सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, तो यहां पर दो सल्फर है और दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है। अगर यहां पर एवरेज निकालने जाए तो क्या होगा बताओ? अगर हम फॉर्मूला यूज करते एवरेज वाला तो क्या होता? तो देखो अगर हम एवरेज वाला फॉर्मूला यूज करते तो 2 × 1, ठीक है, एवरेज वाला फॉर्मूला यूज करते तो 2 × 1 +2x +3 × -2 = 0। तो यहां से x देखो क्या आ रहा है, यहां से x आ रहा है हमारे पास +2 आ रहा है। ओके, तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर देखो +2 आ रहा है और आना भी चाहिए क्योंकि देखो इन दोनों का एवरेज क्या है? +2 ही है ना। यहां से एवरेज देखो कितना आएगा, 6 − 2/2 कितना आया? +2 आया ना। तो दोनों सल्फर का एक्चुअली एवरेज तो +2 है बट इंडिविजुअल दोनों का अलग अलग, ठीक है। तो कभी कभी हमें ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब कि स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट। जनरली हम ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये वाला इक्वेशन बना के सॉल्व करने वाला हम यूज कर सकते हैं जनरली, बट कभी कभी हमें स्ट्रक्चर बना के भी देखना पड़ेगा। ओके, तो Na2H2O3 में अगर हम इक्वेशन के थ्रू जाते हैं तो हमें +2 मिलता है, मतलब दोनों सल्फर का हमें नहीं पता कि सेम है या अलग अलग है, हम जस्ट उसको क्या बोल देंगे कि दोनों सल्फर का +2 है। बट जब स्ट्रक्चर बना के हम देखेंगे तो पता चलता है कि यार एक सल्फर का -2 है ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरे सल्फर का +6 है, ठीक है, बट एवरेज ऑब्वियसली +2 आएगा। ओके, सो इस टाइप से हम इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर जो है निकालते हैं। रोहन याद रखना है वो पॉइंट, जब सुपरऑक्साइड हो तो -1/2 होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, और जब परऑक्साइड हो तो -1 होता है, दैट्स इट। वो जनरली बहुत कम केस में होगा। रोहन मैंने पहले बताया है भाई,
यार हमारे पास ये जो है ना, ये दिस इज परोक्साइड आयन एंड ये जो है ये परोक्साइड कंपाउंड हो गया Cl negative is chloride, ये क्लोरीन का आयन, और NaCl is sodium chloride, वो कंपाउंड है। तो हर आयन कुछ कंपाउंड बना रहा है ना, Na2O2 में परोक्साइड आयन है, KO2 में सुपरऑक्साइड आयन है, H2O2 में भी परोक्साइड आयन है। और Na2O2 की वजह हम बोले Na2O, तो इसमें ऑक्साइड आयन है, Na2O में जो आयन है वो ऑक्साइड वाला है। और अभी तुम इसको देखो, ये देख भी सकते हो, मतलब तुम यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर खुद से निकाल सकते हो। कैसे? एल्किली मेटल्स जो हैं, एल्किली मेटल्स का हमने क्या बताया, एल्किली मेटल्स का हमेशा प्लस वन होता है। तो KO2 में देखो, K का प्लस वन, ऑक्सीजन का तुम्हें अगर निकालना है तो ये करोगे, तो X की वैल्यू क्या आई, माइनस हाफ आई कि नहीं आई, तो ऑक्सीजन का माइनस हाफ आ रहा है। इन दोनों में देखो, इन दोनों में अब Na का हमें पता है कि प्लस वन है और H का भी हमें पता प्लस वन है, क्योंकि H अगर मेटल से कंबाइन होता तो ही माइनस वन है। ठीक है, तो दोनों का एग्जांपल अगर तुम लोगे तो 2 इंटू वन प्लस 2X इज इक्वल टू जीरो, तो X क्या आया, माइनस वन आया ना, तो ये परोक्साइड है और इनमें माइनस वन आ रहा है। अगर तुम इसका एग्जांपल लोगे तो यहाँ पर 2 इंटू वन प्लस X इज इक्वल टू जीरो, तो X क्या आ रहा है, माइनस टू आ रहा है, मतलब ये ऑक्साइड है। समझ आया? तो जो लास्ट की हमने जो लाइन लिखवाई थी, मतलब 10th एंड 11th पॉइंट, वो यूज करना है मेनली। ठीक है, तो अभी हम तुम्हें होमवर्क दे देते हैं, कुछ तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, हम कुछ कंपाउंड बता देते हैं तुम्हें। तो डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट, तो HNO3 NH4NO3 NOCl NOClO4 HCN HNC H2SO4 H2SO5 H2S2O7 H2S2O8 H2S2O8 Na2S4O6 CrO5 OSO4 FeCO5 NiCO4 Fe NH3 whole 6 Cl3 तो ये हमारे पास कुछ कंपाउंड है, इनमें जो अंडरलाइंड एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें बताना है।
क्या हो। तो ये आज का होमवर्क है। समृद्धि स्ट्रक्चर बनाने की जनरली जरूरत नहीं, जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम टाइम तुम जो 10th और 11th वाला पॉइंट है ना, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर वाला, वो लगा सकते हो। ओके, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0 वाला लगा सकते हो। 13th क्या है, 13th इज OSO4, ऑस्मियम है, OS है, O5 नहीं है, ठीक है, OSO4 है। 16th का ये Fe है, this is Fe, this is NH3O6 and this is Cl3. ओके, सो ये आज का होमवर्क है, अंडरलाइंड एलिमेंट का तुम्हें बताना है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। सो लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। बाय।